सो गाइस, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा चार बेस और चार टॉप का साउंड टेस्टिंग, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एम्पलीफायर का यूज़ किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर एम्पलीफायर देख पा रहे होंगे, आहूजा का एम्पलीफायर लगा हुआ है और इसमें कितना वाट का स्पीकर है और यहाँ पर कौन कौन से स्पीकर का यूज़ किया गया है, ये सभी जानकारी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। कनेक्शन कैसे किया गया है तो बात करेंगे यहाँ पर चार बेस और चार टॉप के बारे में, प्लस यहाँ पर एच एफ भी लगा हुआ है, तो सभी जानकारी देख लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल में। सो गाइस, बात करेंगे यहाँ पर चार बेस के ऊपर। तो यहाँ पर चार बेस आप देख पा रहे होंगे, पॉप का बेस लगा हुआ है जो कि इसमें 1500 वाट का स्पीकर का यूज़ किया गया है, जो कि ATI प्रो का स्पीकर का यूज़ किया गया है। इसमें 18 इंच का बेस स्पीकर है और चार टॉप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डुअल टॉप है। यहाँ पर 400 वाट का स्पीकर का यूज़ किया गया है, प्लस 80 वाट का HF लगाया गया है इसमें। और स्पीकर के बारे में बात करेंगे तो पी ऑडियो का स्पीकर का यूज़ किया गया है। सो गाइस, यहाँ पर चार HF जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसके लिए यहाँ पर एम्पलीफायर लगाया गया, आहूजा का 250 वाट का एम्पलीफायर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चार बेस के लिए एम्पलीफायर का यूज़ किया गया है, आहूजा का LX6000 जो कि दो बेस एक चैनल में और दो बेस दूसरे चैनल में लगाया गया है। और यहाँ पर आहूजा का DX है यहाँ पर 3502 जो कि यहाँ पर 3500 वाट का एम्पलीफायर है, इसमें लगाया गया है दो टॉप एक चैनल में और दो टॉप दूसरे चैनल में जो कि लोड मैचिंग है। तो यहाँ पर आप इस एम्पलीफायर में चार टॉप इस टाइप के टॉप आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बेस के लिए यहाँ पर LX6000 यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप 7000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड और काफ़ी अच्छा बेस भी देखने को मिल जाएगा। और बात करेंगे तो यहाँ पर DBX का क्रॉसवायर लगा हुआ है, बेरिंगर का मिक्सर लगा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो सभी जानकारी मैंने आपको बता दिया है, भाई ने नहीं बताया कि इसमें कितने KVA का जनरेटर लगा हुआ है। और यहाँ पर बात करेंगे एड्रेस के बारे में, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एड्रेस। तो चलिए, आज के वीडियो बस इतना ही था, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल में सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको डिजिटल बहुत सारे वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।